हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है, बढ़िया सवाल था, काफी क्लासिकल सवाल बोल सकते हैं आप इसको। जेई मेंस 1 फेब 2023 शिफ्ट 1 का शायद सवाल था, मुझे याद नहीं है, देख लेना, शिफ्ट 1 ही था। क्लासिकल सवाल बोला जा सकता है इस सवाल को। सवाल कुछ ऐसा है कि x^21 + x^14 + x^7 इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, 1 तक, 2 × x^14 + 3 × x^7 + 6 whole to the power 1/7 dx = ऐसा लिखा होगा। तो भाई एल और 11 पे पावर क्या है, n/n, सही है, और ये 1 नहीं है ना, ये गलत मिसप्रिंट है। ये है 11 बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, और mn आर को प्राइम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ l + n + क्या l, इसकी वैल्यू बताना है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखते देखो, इस क्वेश्चन में बहुत माथापच्ची करने के बाद भी बहुत लोग नहीं समझ में आता करना क्या है, और ये मत सोचना कि मैं बहुत जल्दी सोच लिया था, मैं भी, मेरे पास भी सवाल पहली बार आया तो मैं भी सोचा बहुत, सोचने के बाद थोड़ा इधर उधर उसमें साथ छेड़छाड़ किया तो कुछ चीजें समझ में आई, तो मैं बता दे रहा हूँ उतनी आसानी से। ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतना आसान रहा, और ये मत सोचना सर इतना जल्दी कैसे पिक कर लिए सवाल। ठीक है, अपन ये सब बता चुके हैं पहले, इसलिए हम इतना जल्दी पिक कर ले रहे हैं। अगर आप आधे घंटे बाद भी इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, खैर प्रैक्टिस की चीज है सब चीज, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है अपना 0 से 1 x^21 + x^ क्या है 14 + x^ क्या है 7, ब्रैकेट में 2x^14 + 3x^ क्या है 7 और +6 होल पावर 1/7 dx। ये अपन क्या करते हैं ना कि ये वाले टर्म्स, ये दिखाई दे रहा है, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, सही है, x कॉमन होते हैं, यहां बचेगा x^ क्या बचेगा 20, और यहाँ x^13, और यहाँ x^ क्या बचेगा 6 बचेगा, और ब्रैकेट में जो जैसे लिखा हो वैसे छोड़ दो, 3x^ क्या 7 और +6 होल पावर 1/7 dx। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एक्स है, कौन सा एक्स जो कॉमन निकालो, ये वाला, इस एक्स को लिख सकते हैं अपन, क्या पता है x^7 / 1/7, ऐसा क्यों, इसके अंदर में घुसा नहीं, जैसे ये एक्स अंदर घुसेगा ना इसमें तो एक्स नहीं रह जाएगा, अंदर घुसते ही x^7 मिल जाएगा, समझ रहे बात को, ये एक्स को इसके अंदर घुसाऊंगा तो एक्स नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, x^ क्या बन जाएगा, वो 7 बन जाएगा, 0 से क्या 1, तो वहीं घुसा दो x^20 और x^13 और x^6 और यहाँ घुसा दीजिए, क्या बन जाएगा 2 × x^7 बन जाएगा ना, वो तो 21 हो जाएगा, और 3 × x^14 हो जाएगा, और 6 × x^ क्या हो जाएगा 7, तो whole power 1/7 dx। देख लीजिए भाई सर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है ना, अगले स्लाइड में मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ, देखना 0 से 1 x^20 + x^ क्या है 13 + x^ क्या है 6 और ब्रैकेट में क्या है 2 × x^ शायद 21 है, देख लेते हैं एक बार, हाँ 3 × x^14 है +6 × x^ क्या है 7 × 1/7 dx, सही है। देखो अब सुनो, ये जो अंदर वाली चीज है इसको आप टी मान के देखो क्या होता है, तो टी इक्वल टू क्या मान लेता हूँ 2 × x^ क्या 21 + 3 × x^ क्या 14 + 6 × x^ क्या 7, कोई दिक्कत, टी मत मानो उसको, t^7 ही मान लो ज्यादा अच्छा है। t^7 क्यों मान रहे हैं, t^7 मानेंगे तो ये जो 7 दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा, मैं आपको लेजर मार्क बता रहा हूँ, ये वाला कहाँ भाग के भी, एक मिनट ना, हाँ एक मिनट, ना ये जो पावर में जो था ना वहां पर वो कट जाएगा, सही है, ये सामने कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, हाँ ये देखिए ये वाला ध्यान देना, कौन सा, ये वाला, ये पावर कट जाएगा x^T^7 मांगने से, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, और क्या से ही फायदा है। चलिए, कभी भी √x रहे तो है ना, तो t² माना करो, रूट के अंदर भी चीज है,
पावर वन में थ्री है उसको मान रहे हो, तो टी पे पावर थ्री मान के ज्यादा सुटेबल होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो सेवन इंटू कितना हो जाएगा, टी पे पावर सिक्स डी टी इजिकल्स टू 21, टू जा कितना हो जाएगा 42, एक्स पे पावर 20, और ये 42 एक्स पे पावर 13, और ये 42 एक्स पे पावर क्या 6। अरे सर 42 तो कॉमन आ गया। हाँ भाई सही है। अब सुनो ये सेवन इंटू टी पे पावर कितना 6 डी टी, 42 कॉमन लीजिए ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स पे पावर 20, एक्स पे पावर 13, और एक्स पे पावर क्या 6 डी एक्स। सही है, देखो देख लो ये कट जाएगा 6s, और 6 को इधर ले आओ, वन बाई सिक्स टी पे पावर 6 डी टी ये कस्टू क्या बन जाएगा एक्स पे पावर 20, एक्स पे पावर 13, और एक्स पे पावर 6 डी एक्स। देखो मैच खा गया ऊपर वाले से, देख लो मिला लो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम दिख रहा हो, डी एक्स है भी। हाँ सर हम रिप्लेस कर दिए, कुछ बचा नहीं, सवाल बेजान हो चुका है, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा आपको। चलिए पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं, कैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूँ यहाँ यहाँ और यहाँ, ये बन जाएगा जीरो, और एक्स की वैल्यू वन रखो तो वन रखने के उपरांत क्या बनेगा ये 2 प्लस 3 फाइव, 5 प्लस 6 11, यानी 11 पे पावर कितना हो जाएगा टी की वैल्यू 1/7। कैसे जैसे टी पे पावर 7 11 लिखे, टी की वैल्यू क्या जाएगा 11 पे पावर क्या 1/7। सही है। हाँ सर अब यहाँ पर रिप्लेस करो वैल्यू को, कहाँ पर यहाँ पर, ये पूरे को माने हो तुम टी पे पावर क्या 7, तो टी पे पावर 7 पे पावर क्या 1/7, और अब इसकी वैल्यू ये वाले की वैल्यू डी एक्स मल्टीप्लाई के साथ है, इसके साथ है कितना जाएगा 1/6, 1/6 बाहर ले लेंगे, और टी पे पावर क्या 6 डी। देखो कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ये 7 से 7 क्या जाएगा कट लिया। सही है। हाँ सर अब ये टी पे पावर 6 और ये टी बच गया, ये बन जाएगा टी पे पावर 7, और उसका इंटीग्रेशन कर दो टी पे पावर 8 बाई क्या 8, लिमिट कहाँ से 0 से 11 पे पावर 1/7 तक। देख लीजिए भैया नीचे हो जाएगा 1/48 और 11 रखिएगा तो 11 पे पावर कितना हो जाएगा रे 8/7। सही है देख लो, और 0 रखूँ तो 0 हो जाएगा। लिमिट यूज किया हूँ कुछ किया नहीं हूँ, देख लो ये ध्यान से। अब कंपेयर करो जिसके इक्वल वो करवाया था, ये किसके इक्वल करवाया था 1/L 11 पे पावर 1/L। सही है, ये क्या लिखूंगा 1/L और 11 पे पावर क्या 1/L, फिर से मिला लो एक बार गलती ना हो जाए। हाँ सर ठीक है, तो L की वैल्यू कितना जाएगा 48, और M की वैल्यू कितना जाएगा 8, और N की वैल्यू कितना जाएगा 7। सवाल में आपसे पूछा गया है एल प्लस एम प्लस क्या एन, मतलब 48 प्लस 8 प्लस 7 जोड़ दीजिए ये आ जाएगा 63। सही है, तो 63 इज करेक्ट आंसर, मिला लीजिए कहीं पे होगा तो, और इंटीजर वाला सवाल था। हाँ आंसर 63 है इसका, मुझे याद है आंसर क्या आ जाएगा इसका 63। सही है, थोड़ा सा क्लासिकल सवाल इसको बोला जा सकता है। सही है, पहला स्टेप उतना तो मुश्किल था इसमें, बाकी चीजें आसान है। ठीक है।